हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। वे प्लांट जिनकी आप कटिंग नवंबर मंथ में ग्रो कर सकते हैं, उन प्लांट के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस लिस्ट में पहला जो प्लांट है वो है ये मिंट। मार्केट में अभी भी आपको पुदीना मिल जाएगा, तो अगर आपको कहीं पर देखने को मिले मार्केट में या फिर दोस्त के घरों पर या रिश्तेदारों के घरों पर, तो आप इस तरह की कटिंग ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी मैं जो बनाता हूँ कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, उसी में मैं इसे ग्रो कर रहा हूँ। मिट्टी देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी है। कुछ आपको इसमें कैलेंडुला के प्लांट भी दिख जाएंगे जो मैंने सीड डाले थे, तो 3-4 प्लांट इसी तरह के बन गए। उन्हें तो मैं कुछ दिन बाद हटा दूंगा और ये मिंट इसी में लगा रहेगा। आम के सीज़न में तो ये बहुत देखने को मिलते हैं, आपको कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी देखने को मिले तो आप इनकी कटिंग इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे कुछ ही महीनों पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही ग्रो किया था, तो आप इस टाइम इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। दूसरा प्लांट है ये अजूबा। अब तो ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अब तो इसकी फ्लावरिंग का सीज़न भी आने वाला है, तो आपको कहीं पर देखने को मिले तो इस तरह का बेबी प्लांट ले आइएगा और अपने गार्डन में इस प्लांट को हमेशा के लिए ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही हार्डी ये प्लांट होता है। इसलिए इसमें अगला प्लांट है ये अजवाइन। मेडिसिनल प्लांट होता है, पेट के रोगों में इसका यूज़ होता है और इसके पकौड़े और चाय भी बनाई जाती है, तो इससे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये अरेबियन वैक्स आईवी, हैंगिंग बास्केट हो या फिर आर्च वगैरह, गेट वगैरह आपके घर में हो तो उस पर चढ़ाने के लिए बढ़िया रहता है। सालों भर आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है। फ्लावरिंग तो इस पर छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इसमें अगला प्लांट है ये पतझट्ठा। इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी फ्लावरिंग विंटर में बहुत ही सुंदर लगती है, ऊँचाई पर फ्लावर खिलते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके अलावा आप ये पर्पल हार्ट भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी इस टाइम भी छोटे छोटे फ्लावर खिले हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हैंगिंग बास्केट हो या कंटेनर, दोनों में ही देखने में सुंदर लगता है, तो इसे भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये चाइनीज़ मनी प्लांट, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी लैगी हो रहा है, तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। लैगी प्लांट ये नहीं अच्छा लगता है, छोटा प्लांट हो तो ये अच्छा लगता है, तो इससे भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये अम्ब्रेला पाम, इस पर देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग भी होने लगी है, कुछ दिनों बाद सीड भी बनेंगे, उससे भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग ले सकते हैं, यानी ये पत्ता तोड़कर रख लीजिए, उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये गुलदाउदी, इसे भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। और जिस प्लांट से मैं कटिंग ले रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो उसी प्लांट से लें। इस तरह का प्लांट से कटिंग मत लें, इसमें कलियाँ आ रही हैं तो इसके ग्रो होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर आप फिर भी लेना चाहें तो रूट से आप लीजिएगा। इसके अलावा ये सिंगोनियम, इसे भी आप कटिंग से इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं एक बड़ी सी कटिंग मैंने मिट्टी में दबाया था जिसमें 2 प्लांट बनकर तैयार हो चुके हैं, और कुछ हिस्सा जो मिट्टी में नहीं था वो धीरे धीरे सूखने भी लगा है, तो इसे मैं कट करके हटा दे रहा हूँ और मेरा इस तरह से एक कंटेनर बनकर तैयार हो गया है। तो इन सभी कटिंग को मैं एक ही कंटेनर में ग्रो करने वाला हूँ, और देख सकते हैं एक से ज़्यादा मैं लीफ नोड दबा रहा हूँ ताकि एक लीफ नोड अगर गल भी जाए तो दूसरे में रूट आ जाए, तो ऐसा आप भी करिएगा। इसके अलावा ये पर्पल हार्ट, ये तो बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो ही जाता है, बस एक लीफ नोड मैं इसका दबा दूंगा क्योंकि इसके लीफ नोड काफ़ी दूर होते हैं, तो एक ही मैं दबा रहा हूँ, और एक ही अगर ये चल गया तो पूरा कंटेनर भर जाएगा। ये इतना फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, रूट से ही नए नए प्लांट इसके बनते रहते हैं। इसके अलावा ये अजवाइन प्लांट की भी मैं 1 से 2 लीफ नोड दबा रहा हूँ। जितने लीफ नोड आप ज़्यादा दबाते हैं, 2-3, उतने कटिंग के चलने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और कटिंग जब भी लगाएं पानी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा देख सकते हैं ये है गुलदाउदी, इसके भी मैं 2 लीफ नोड को कंटेनर में दबा रहा हूँ। वैसे अभी ये ग्रो हो जाएगा तो फ्लावरिंग तो इस साल ये करेगा ही नहीं, नेक्स्ट सीज़न में ही करेगा, लेकिन प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। और हो सकता है कि मार्च अप्रैल मंथ में इस पर ब्लूमिंग भी आए, तो दोनों चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये अरेबियन वैक्स आईवी, इसमें तो रूट पहले से ही है, तो ये तो 100% कटिंग से ग्रो हो ही जाएगा, और बाकी भी हो जाएंगे। अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप कम ही निकलती है, तो कटिंग चलने के चांसेस इस लिस्ट में जो मैंने प्लांट बताया उसका बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कुछ दिनों पहले मैंने इस ग्लास में अम्ब्रेला पाम डाला था, तो जितना भी पानी था वो सब सूख गया था, तो कटिंग भी सूख गया है, तो पानी आप इसका हमेशा चेंज करते रहिए। और
वैसे भी मच्छर वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है, तो 5 से 6 दिन में आप इसकी कटिंग को इसमें पानी ज़रूर चेंज कर दीजिएगा अगर आप इसे पानी में ग्रो करें। वैसे पानी में ही इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा देखने को मिलता है, चाहे ये चाइनीज़ मनी प्लांट हो। इसमें अभी अच्छे से रूट नहीं आई है, जब आ जाएंगे तो दोनों को मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा। जी चाइनीज़ मनी प्लांट को तो मैं 5 से 6 दिन में इसमें रूट आ जाएंगे तो मिट्टी में इसे ग्रो कर लूँगा। और जो पाम था अम्ब्रेला पाम, उसमें जब बेबी प्लांट आ जाएंगे, रूट अच्छे से आ जाएंगी लगभग महीने भर में, तभी मैं उसे रिपोर्ट करूँगा, तभी उसका रिज़ल्ट बढ़िया देखने को मिलता है। तो इस पर मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये मेरी गोल्ड वगैरह ग्रो करना दिखाया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।